हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओशीज किचन हब। तो आज हम लोग दिखाने जा रहे जैकफ्रूट, रॉ जैकफ्रूट की रेसिपी। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने जैकफ्रूट को कट कर लिया है दो टुकड़ों पे, और उसके छोटे छोटे पीसेस करके मैं क्या कर रही हूँ, एक पानी का जगह लेके उसमें डालते जा रही हूँ। आपको ये याद रखना है, जैकफ्रूट में एक अजीब तरीके का गम होता है, जिसके कारण आप क्या करें, हाथ में ऑब्वियसली ऑयल लगा ले काटते वक्त, नहीं तो वो हाथ में चिपक सकता है और कैसा काला काला स्टेन पर जाता है। ऑब्वियसली कुकिंग ऑयल लगाइए, ऑलिव ऑयल, वाइट सनफ्लावर ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। उसके बाद मैं अच्छे से धो के इसको प्रेशर कुक कर ले हूँ। आपको हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाना है और लो फ्लेम पे आप 3 सीटी लगा लीजिए, तो इक्वली कुक हो जाएगा। और फिर मैं क्या करना है, इसको सीटी लगाते वक्त मैं यहाँ पे सब रेडी कर रही हूँ जो जो मुझे लगेगा। मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रॉन रॉ जैकफ्रूट करी। तो उसके लिए हमने ले लिया है पोटैटो, प्रॉन और बारीक कटा हुआ अनियन एंड जिंजर गार्लिक टमेटो चिली पेस्ट। सब एक साथ पेस्ट कर लिया है क्योंकि बार बार पेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होता। सो, मैंने कढ़ाई चाय लगा दी है, उसमें डाल दिया है थोड़ी बहुत मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद क्या करना है, करना कुछ नहीं है कि जो हम लोग प्रॉन रखे थे उसको थोड़ा हल्दी और नमक के साथ हम लोग फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करना है, ओवर फ्राई ओवर कुक प्रॉन्स को नहीं करना है, तो उसका जो टेस्ट होता है ना, जो एक आफ्टर टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। और मैंने एकदम छोटे साइज़ का प्रॉन लिया है, ज़्यादा बड़ा प्रॉन आप लेंगे ना तो उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, ये छोटा प्रॉन से जो टेस्ट आता है ना मज़ेदार होता है। तो उसके बाद सेम कढ़ाई में जो रेस्ट ऑफ द ऑयल था उसमें आलू को थोड़ा सा हल्दी लगा के, आप चाहो तो सॉल्ट भी लगा सकते हो, पर ज़्यादा आप सॉल्ट यूज़ करोगे तो बैलेंसिंग करने में सबको प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्ट का सब्ज़ी में, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आलू को फ्राई कर रहे हैं। जब तक थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए आलू, तब उसके बाद मैं आलू को पैन से उठा लूँगी। अब उसी सेम कढ़ाई में हम लोग खड़े मसाले डालेंगे, उसमें लौंग, तेजपत्ता, इलायची, दालचीनी और एक सूखी मिर्च। ऑब्वियसली थोड़ा सा जब फ्राई हो जाएगा खड़े मसाले, उस पर जो बारीक कटा हुआ प्याज था, हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं, तो उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अनटिल इट्स बिकम ब्राउन। तो थोड़ा ब्राउन तक होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जब तक ये फ्राई हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो हम पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे। अब पेस्ट को भी अच्छे से चलाते रहे बीच बीच में, क्योंकि ये जो हम लोग पेस्ट डालते वो कढ़ाई में लग जाता है। पहले तो ये नॉनस्टिक का कढ़ाई है, पर उसके बावजूद भी आप थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाइए और पेस्ट को चलाते रहे, अच्छे से मसाले को भूनिए, जो मसाले का कच्चापन है जब तक ना दूर हो जाए तब तक भूनिए। उसके बाद हम रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली, जिसके बिना मेरा कुकिंग अधूरा रह जाता है, हल्दी पाउडर और दीजिए जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। जीरा का टेस्ट बहुत जन को पसंद नहीं होता है तो आप अवॉइड कर सकते हो, पर मेरा मानो जीरा पाउडर देखे देखो बहुत ही हेल्पफुल होता है शरीर के लिए भी और अच्छा होता है टेस्ट के लिए भी। तो फिर मैं ऐसे चलाते रहूँगी बीच बीच में, पानी डालती रहूँगी और भूनती रहूँगी अनटिल कि ये इसका जो कच्चापन है मेरा दूर ना हो जाए। तो देखिए कितना सुंदर एक कलर आ गया है इसका भूनने के बाद। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो पोटैटो है ना मैं उसको डाल दूँगी, जो फ्राइड पोटैटो थे मैं उसको अच्छे से डाल के ना मसाले के साथ इसको फिर उसे अच्छे से चला लूँगी, क्योंकि जो पोटैटो होते हैं ना वो थोड़ा बॉयल होने में टाइम लगता है। हाँ, आप अगर प्रेशर कुक करके डाल रहे हो पोटैटो तो कोई बात नहीं, पर जो उसका टेस्ट होता है ना फ्राई के बाद, जैसे हम लोग चिकन कशा बनाते हैं एग्जैक्टली सेम वे है। पता है ये कटहल को क्या कहते हैं, हम लोग के बंगाली में कटहल को गाछ पाठा कहते हैं, मतलब ये ना पूरा मटन की तरह टेस्ट करता है अगर आप मटन की तरह कुक करते हो तो। तो देखिए मैंने प्रेशर कुकर से ऑलरेडी जैकफ्रूट को रख दिया है एक स्टेनर पे। उसके बाद मैं आलू को देखती रहूँगी बीच बीच में, चलाती रहूँगी कि बॉयल हुआ कि नहीं।
और सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप डालना भूल गई कि मैंने ऑलरेडी इसमें ना प्रॉन जो फ्राई किया हुआ रखे थे वो भी मिला दिया है। तो वो प्रॉन बॉयल होने का जो पानी का टेस्ट आता है ना सब्जी का, वो काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस आएगा एंड टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो देखिए, मैं बार बार भी चला रही हूँ ताकि नीचे लग ना जाए, और ये भी देख रही हूँ कि मेरा आलू बॉयल हुआ है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो जैक फ्रूट है वो ऑलरेडी 90% बॉयल्ड हो चुका है। तो मैं आलू को भी 90% बॉयल करने के बाद ही डालूँगी जैक फ्रूट, नहीं तो आलू तो कच्चे रह जाएंगे और जैक फ्रूट और पिघल जाएगा। तो हाँ, इधर मेरा हो गया है आलू बॉयल्ड, तो मैं जैक फ्रूट सारा डाल रही हूँ। और ये याद रखिएगा, आपका अगर जैक फ्रूट थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो गया है तो आप ना ज़्यादा ना हिलाए, थोड़ा रेस्ट कर करके अच्छे से हिलाए, नहीं तो ना ये ज़्यादा टूटने का डर रह जाता है और सब्ज़ी अच्छा नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से हिलाइए ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से जैक फ्रूट के साथ मिल जाए। फिर बस करना कुछ नहीं है, इसको अच्छे से थोड़ा मिला के, जब आपको लग जाए कि नहीं मिल गया है तो इसको ढक के आप 10 मिनट तक आप इसको कुक करने दीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ऑयल छोड़ने लगा है, इसका मतलब मेरा जो जैक फ्रूट वाला करी है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो आप इस जगह पे क्या कर सकते, आप अगर डाइट मेंटेन नहीं कर रहे, आप अगर थोड़ा सा रिच खाना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आप घी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी नहीं मिलाया है बिकॉज़ थोड़ा ज़्यादा ही रिच हो जाते हैं, मैं एकदम प्लेन और सिंपल रखने का कोशिश की हूँ। हाँ, और एक बात है, आप कौन से कंसिस्टेंसी में खाना चाहते हैं वैसा कंसिस्टेंसी रखिए सब्जी को। आप अगर ड्राई चाहे तो ड्राई रख सकते हैं, पानी चाहे तो पानी रख सकते हैं। और इधर मेरा कुकिंग एकदम कंप्लीट हो गया।